रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ केक मिक्स केक। ये केक बहुत मज़े का बनता है, आप भी बना के देखें। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है बेटी क्रॉकर का केक मिक्स। थोड़ी सी इसकी रेसिपी को मैंने चेंज किया है। इसमें है 3 अंडे तो मैं डालूँगी इसमें 4 अंडे। इसमें है 1 कप पानी तो मैं डालूँगी 1 कप मिल्क और 1/3 कप ऑयल। सबसे पहले एक बड़े बोल में हम डालेंगे अंडों को। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लें मशीन से, 2 से 3 मिनट फेंटना है। जितनी अच्छा आप बेकिंग में अंडों को फेंटते हैं उतना अच्छा केक फ्लफी बनता है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, आप बटर भी ले सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मिल्क। अब इसमें जा रहा है केक मिक्स का पाउडर। इस बैटर को भी मैं 2 से 3 मिनट फेंटूंगी। मैंने लिए 2 सेम साइज़ के बेकिंग पैन्स। जब भी आइसिंग वाला केक बनाएं तो आप 2 सेम साइज़ के पैन लें। उससे ये होता है कि इजीली केक एक के ऊपर एक रख के आइसिंग हो जाती है। सबसे पहले हम इसको स्प्रे करेंगे, इससे ये होगा कि केक चिपकेगा नहीं और इजीली निकल आता है। आधा बैटर मैं इसमें डालूंगी और आधा बैटर डालूंगी दूसरे वाले पैन में। ओवन को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 350 डिग्री पे। इसका बैटर ज़्यादा है तो थोड़ा सा बैटर में डालूंगी एक बन केक के पैन में। अब इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। केक हमारा बेक हो चुका है। एक टूथपिक की मदद से आप इसको में डाल के देखें केक के सेंटर में। अगर क्लीन टूथपिक निकल आए तो इसका मतलब है केक बेक हो गया। केक को ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम आइसिंग तैयार करेंगे। मैंने लिए 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। इसको मैंने फ्रीज़र में 10 मिनट रख के ठंडा कर लिया था। उससे ये होता है क्रीम अच्छी बनती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर। 5 टेबलस्पून मैंने लिया आइसिंग शुगर। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्यू ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले वेनिला एसेंस के। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्रीम चीज़। 3 टेबलस्पून मैंने लिए क्रीम चीज़ स्प्रेड। इसको इतनी देर फेंटें कि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। इस तरह की हमें थिक क्रीम चाहिए केक पे लगाने के लिए। बहुत ही अच्छी क्रीम बनी है। अब इसके ऊपर मैं केक का दूसरा पीस रख दूंगी। सेम साइज़ के पैन में केक बनाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको केक को काटना बीच में से नहीं पड़ता और बहुत ही अच्छा आपको केक बैलेंस रहता है। मैं हमेशा 2 सेम साइज़ के पैन लेती हूँ। उससे ये होता है कि इजी हो जाता है केक बनाना और आइसिंग करना उसके ऊपर। ये केक बहुत मज़े का बनता है और
बहुत इजी है इसका बनाना। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप घर में बना के देखें इस तरह से केक। आइसिंग करने के बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे। केक हमारा डन है। थोड़ा सा इसको हम डेकोर करने के लिए कैंडी स्प्रिंकल्स डाल देंगे। बनाकर ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारा केक कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा, उससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने में मिलेंगी। थैंक यू।